نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سرکار مدینہ رحمت قلب السینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے من صلى علی فی یوم الف مرة لم یمت حتی یرا مقعده من الجنہ, یعنی جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. آپ نے اس کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دی اور فرمایا, کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ آگ کا انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو لوگوں نے اس شخص سے کہا, تم اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اس انگوٹھی کو بیچ کر اس سے فائدہ اٹھا لو. اس نے جواب دیا, نہیں, جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا ہے اللہ عز و جل کی قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا. یہ رسپیکٹ تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں, دیکھا آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیسے مطیع اور فرما بردار تھے. اگر وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو انگوٹھی اٹھا کر اپنے استعمال میں لا سکتے تھے, مگر اطاعت رسول کہ کامل جذبے نے یہ گوارا نہ کیا کہ جس چیز کو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناپسند فرما کر دور پھینک دیا اسے دوبارہ ہاتھ لگائیں. یقیناً ہر مسلمان کو صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اطاعت گزار ہونا چاہیے, اور جن چیزوں سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ان سے بچتے رہیں, اور جن کا حکم ارشاد فرمایا ہے ہمیشہ ان کی پابندی کرتے رہیں. کیونکہ مسلمانوں پر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہے. چنانچہ پارہ نمبر 9
सूरतुल अनफाल आयत नंबर 1। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, व अतीउल्लाह व रसूलहु इन कुंतुम मुमिनीन। कितनी प्यारी आयत है, और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो अगर ईमान रखते हो। बात यहीं पे खत्म हो गई। अगर ईमान रखते हो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो, अगर ईमान ही नहीं रखते फिर जो चाहे मर्जी करते रहो। सब कुछ तो ईमान पर है, और जिस बंदे के अंदर ईमान होगा, सच्चा मुसलमान होगा, मोमिन होगा, वो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानेगा। हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े आलम दीन गुजरे हैं। आप इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल की इताअत में फ़र्क ये है कि रब ताला की इताअत सिर्फ उसके दिए गए हुक्म में होगी, उसके कामों में इताअत नहीं हो सकती। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत तीन चीजों में होगी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किए गए कामों में, बयान करदा कामों में या बयान करदा फरामीन में, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने जो काम हुआ और आपने उसको मना ना किया, उसमें भी इताअत होगी। यानी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया उसको मानो, हुजूर ने जो कुछ खुद करके दिखाया उसे भी मानो, और जो किसी को करते हुए देखकर मना ना फरमाया उसे भी मानो। ये तीन चीज़ें ये बयान की गई। मजीद मुफ्ती साहब इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म फरमाने से यह ना समझा जाए कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत ना की गई तो उनका कुछ नुकसान होगा। वो तो अपना फर्ज तबलीग अदा फरमा चुके, अब ना मानने और इताअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना करने का वबाल तुम पर होगा। मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इंसान को जिंदगी गुजारने और दुनिया और आखिरत की कामयाबी पाने के लिए अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी का हुक्म दिया है, और साथ ये भी इख्तियार दिया कि अहकाम इलाही पर अमल करते हुए उसके फरमा बरदार मुतीई बंदे बनकर चाहें तो जन्नत की अबदी नेमतों से लुत्फ उठाएं, या उसकी नाफरमानी के मुर्तकिब होकर जहन्नम के हकदार ठहरें। लिहाजा दुनिया और आखरत में अगर कामयाबी चाहते हैं, कामयाब होने के लिए, तो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा किरदार को अपनाने में ही आफियत समझें, या आफियत है, क्योंकि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, नमूना अमल है। चुनाचे पारा नंबर 21 सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 21 में इरशाद होता है, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना। बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है। इसी आयत के तहत इरशाद फरमाते हैं मुफ्ती साहब रहमतुल्लाही ताला अलैह कि मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी सारे इंसानों के लिए नमूना है, जिसमें ज़िंदगी का कोई शोभा बाकी नहीं रहता। और यह भी मतलब हो सकता है
कि रब ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी शरीफ को अपनी कुदरत का नमूना बनाया। कारीगर नमूना पर अपना सारा जोरे सनात सर्फ कर सकता है, कर देता है। मालूम हुआ कि कामयाब जिंदगी वही है जो उनके नक्श कदम पर। अगर हमारा जीना मरना सोना जागना हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर हो जाए, आपकी पैरवी पर हो जाए, तो ये सारे काम इबादत बन जाए। ऐसा कौन सा शोबा है जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई के लिए नहीं किया? अगर आप एक तिजारत हैं, तिजारत करने वाले हैं, तो मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम ने तिजारत की है। अगर आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सफ़र करते हैं, तो मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम ने भी सफ़र किया है तिजारत के लिए, काम के लिए। अगर आप एक शोहर हैं, तो मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम ने भी शादियां की। एक शोहर को मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम के उस नमूना अमली जो जिंदगी मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम ने गुजारी, उस पर अमल करना चाहिए। अगर एक बाप हैं, तो मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम की भी औलाद है। एक मजदूर हैं, मजदूरी करने वाले हैं, तो मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम ने भी पत्थर तोड़े हैं। अगर आप एक बादशाह हैं, शहनशाह हैं, आपको हुकूमत मिल गई है, तो मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम ने भी दिलों पर राज किया है। अगर आप जंग के एक सिपहसालार हैं, जर्नेल हैं, फौजी जर्नेल हैं, तो मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम ने भी जंगों में जिंदगी गुजारी है। अगर आप एक इमाम हैं, तबलीग का काम करते हैं, तो मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम ने भी इमामत फरमाई है। घर का काम मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम ने खुद किया है। अपनी जूतियां मुबारक खुद गांठते थे, अपनी बकरियों का जो दूध खुद दोहते थे। कितना प्यारा एक एक नमूना जो है हमारी, हमारे लिए बेहतरीन नमूना जो छोड़ कर गए हैं। तो मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका है, ये हमारे लिए मशगल राह है। लिहाजा मुसलमान और सच्चे गुलाम होने के नाते हम पर लाजिम यह है कि तमाम मामलात में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत और पैरवी करें, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर मजबूती से अमल करते हुए जिंदगी बसर करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और हमारी आखरत भी कामयाब हो जाएगी। मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम ने इरशाद फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्नता व मन असानी फकद अबा, यानी जिसने मेरा हुक्म माना वो जन्नत में दाखिल हो गया, और जिसने मेरी नाफरमानी की वो इनकार करने वाला हो गया। फिर इरशाद फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश मेरे लाए हुए के ताबे ना हो जाए। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अकवाल, आका अलैहि सलातु वसलाम के अफ़आल, अखलाक व आदात का बग़ौर मुतालिया करके अपनी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए गुजारें। गुजारे तो सही। मुफ्ती अहमद याखर नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, इताअत खुदा और इताअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहमियत बयान करते हुए फरमाते हैं कि इंसान को कुदरत ने दो किस्म के आज़ाद दिए हैं, एक ज़ाहरी और दूसरा जो है वह छुपा हुआ है। ज़ाहरी वज़ू तो सूरत, चेहरा, आँख, नाक, कान वगैरह हैं, और जो छुपे हुए वज़ू हैं वो हमारे दिल और दिमाग और जिगर हैं। अब मुसलमान
कामिल ईमान वाला जब हो सकता है कि सूरत में भी मुसलमान हो और दिल से भी, यानी इस्लाम का उस बंदे के ऊपर उस मुसलमान पर ऐसा रंग चढ़े कि सूरत और सीरत दोनों को रंग कर दे, मदनी रंग में रंग जाए। दिल में रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत का जज्बा मौजे मार रहा हो, उसमें ईमान की शमा जल रही हो और सूरत ऐसी हो जो अल्लाह के महबूब को पसंद आ जाए। अल्लाह, अगर दिल में ईमान है मगर हमारी सूरत जो है वो औरों की तरह है तो समझ लो कि इस्लाम में पूरे दाखिल नहीं हुए। कुछ है सही जो जो हमारे उस ईमान को कामिल नहीं होने देता। यानी सीरत भी अच्छी बनाए और सूरत भी अच्छी बनाए। इस्लामी शक्ल और इस्लामी लिबास में कितने फायदे हैं। गवर्नमेंट ने हजारों महकमे बना दिए, रेलवे, डाकखाना, फौजी, पुलिस, कचहरी वगैरह, और हर महकमे के लिए पाकिस्तान में, इंडिया में, जो भी मुल्क है, यहाँ हमारे बरतानिया में, हर महकमे की वर्दी जो है अलग अलग है। अब ये नहीं कि जो फौजी है वो डाकखाने की वर्दी पहन के आ जाए, पुलिस वाला है जो वो सफाई करने वाले की वर्दी पहन कर आ जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर लाखों आदमियों में किसी महकमे का आदमी खड़ा हो ना तो बंदा उसको साफ पहचान लेता है, पहचान में आ जाता है कि अगर कोई सरकारी नौकर अपनी ड्यूटी के वक्त अपनी वर्दी में ना हो तो उस पर जुर्माना भी होता है। अगर बार बार कहने उसका कहना ना माना जाए, उस महकमे के आर्डर पर हुक्म वो ना माना जाए तो बाज़ औक़ात उसको फारिग भी कर दिया जाता है। इसी तरह हम भी एक महकमा इस्लाम और सल्लत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुकूमत इलाहिया के नौकर हैं, हमारे लिए अलग शक्ल मुकर्रर कर दी है कि अगर लाखों काफिरों के बीच में भी खड़े हो जाएं तो पहचान लिए जाएं कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम खड़ा है। अगर हमने अपनी वर्दी छोड़ दी तो हम भी सजा के मुस्तहिक होंगे। और कुदरत नंबर दो, कुदरत ने इंसान की ज़ाहरी सूरत और दिल में ऐसा रिश्ता रखा है कि हर एक का दूसरे पर असर पड़ता है। अगर दिल गमगीन है ना, कोई परेशानी है, तो चेहरे पर उदासी छा जाती है, बंदे को महसूस हो जाता है कि ये बंदा परेशान है, और देखने वाला कह देता है खैर तो है, आज बड़े परेशान हो, क्यों उदास हो। दिल में खुशी है तो चेहरे का रंग भी एक सुर्ख और सफेद हो जाता है। मालूम हुआ कि दिल का असर चेहरे पर होता है, दिल का असर चेहरे पर होता है। इसी तरह अगर किसी को दिख टीबी की बीमारी है तो हकीम कहता है कि इसको अच्छी हवा में रखो, अच्छे और साफ कपड़े पहनाओ, इसको फलां दवा के पानी से गुसल दो। कहीं ये बीमारी तो दिल में है, ये ज़ाहरी जिस्म का इलाज क्यों हो रहा है, बीमारी तो अंदर है ना। इसलिए कि अगर जाहिर अच्छा होगा, उस बंदे का लिबास हो, हवा, उसका खाना, उसका पीना, उसका रहन, उसका सहन अच्छा होगा तो उसका अंदर भी अच्छा हो जाएगा। तंदुरुस्त आदमी को चाहिए कि रोज़ाना गुसल करे, साफ कपड़े पहने, साफ घर में रहे तो तंदुरुस्त रहेगा। और इस तरह ग़िज़ा का असर भी दिल पे पड़ता है। गर्ज के मानना पड़ेगा कि ग़िज़ा और लिबास का असर दिल पे होता है। तो अगर काफरों की तरह हमारा रहन सहन होगा या उन जैसी हमारा चाल चलन सूरत, तो यकीनन दिल में काफिरों से मोहब्बत और मुसलमानों से नफरत पैदा हो जाएगी। तो ये जो बीमारी है ये हलाक कर देने वाली साबित होगी। इसलिए हदीस मुबारक में आया है, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी दूसरी कौम से मुशाबहत पैदा करे वो उनमें से है। खुलासा ये है कि मुसलमानों की सूरत बनाएंगे, मुसलमानों जैसी सीरत बनाएंगे, त
ताकि मुसलमानों ही की तरह सीरत पैदा हो। हमारा एक मदनी काफिला स्कॉटलैंड गया, 3 दिन के लिए हम यहाँ से मदनी काफिले में गए, तो नेकी की दावत के लिए लोगों को जाते ना नेकी की दावत, आओ नमाज की तरफ, नमाज पढ़ने चले। हम एक जो है वो स्टोर में चले गए, वहाँ 2-3 लड़के बैठे थे, एक की छोटी छोटी दाढ़ी थी और एक वैसे ही बैठा हुआ था, कपड़े उसने पहने हुए थे, एक ने पैंट शर्ट पहनी हुई थी और एक ने जो है वो लिबास पहना हुआ था हमारी तरह। तो मैं था और हमारे हमारे साथ एक और इस्लामी भाई थे, हमने उनको दावत देनी शुरू कर दी। दावत देते रहे, भी आओ नमाज की तरफ, ये वो फलां ये सारा कुछ करते रहना। आखिर में वो ये कहता है, वो कहते हैं कि हम जो है वो चर्च को लाइक करते हैं, मंदिर को लाइक करते हैं, मुराद ये कि वो हिंदू थे हमें पता नहीं चला, यानी उनकी ज़ाहरी सूरत वो पता भी नहीं चल रहा था ये हिंदू हैं ये मुसलमान हैं। इसी तरह एक काफिला हमारा सिंध पाकिस्तान के अंदर गया, 12 दिन के मदनी काफिले में सफ़र किया, तो सिंध में अक्सर जो है हिंदू भी रहते हैं, तो वो दुकानें थी, दुकानों में हम वो नेकी की दावत दे रहे थे, तो वहाँ भी यही सूरत हाल पैदा हो गई। यानी जब सारा कुछ कर चुके फिर उसके बाद वो कहने लगे कि हम तो भाई हिंदू हैं, लेकिन हमारे जो था फ़र्ज़ तबलीग वो जो है वो हमने अदा कर दिया। तो मेरे मीठे मोहतरम इस्लामी भाई हो, यकीनन इताअत मुस्तफ़ा करते हुए अपने जाहिर और बातिन को इस्लाम के मुताबिक करने में फ़ायदा ही फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा, हकीकतन बात है। हमें भी चाहिए कि अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़वाल अफ़आल और आका अलैहि सल्लतु वसलाम के हालात का बग़ौर मुतालिया करके अपनी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते हुए गुजारें। सहाबे कराम अलैहिम रिदवान की यही कोशिश हुआ करती थी कि जो काम मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करते वो कोशिश करते कि आका के काम के मुताबिक अपना काम करें। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस बात का हुक्म ना भी दिया हो तो होता उसमें भी पैरवी करते। हजरत सैयदना उम्मे दर्दा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हजरत सैयदना अबू दर्दा रदी अल्लाह ताला अन्हो जब भी बात करते तो मुस्कुराते। मैंने अर्ज की कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हो इस आदत को तर्क फरमा दीजिए, वरना लोग आपको अहमक समझेंगे, ये बात करते करते मुस्कुरा देता है। तो हजरत सैयदना अबू दर्दा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जो जवाब दिया ना, बहुत प्यारा जवाब था, फरमाया कि मैंने जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बात करते देखा या सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे। वो मेरे आका हज़रत शाह फरमाते हैं, पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक दर्जी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत की। अब हजरत सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मैं भी दावत में शरीक हो गया। दर्जी ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने वो जो है रोटी कद्दू लौकी शरीफ और गोश्त का सालन रखा। मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बर्तन में से कद्दू शरीफ तलाश करके तनावुल फरमा रहे हैं। उसके बाद आप रदी अल्लाह ताला अन्हो अपना अमल बताते हुए फरमाते हैं, फलम अजल उहिब्बु दुब्बा मी यौमाइज़िन, यानी उस दिन के बाद से मैं कद्दू शरीफ को पसंद करता हूँ। सुभान अल्लाह, यानी सहाबे कराम की नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी का कैसा जज्बा था,
कि जिस काम का हुक्म भी इरशाद नहीं फरमाया, सिर्फ देखा है, फिर भी ये लोग आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर हर अदा को अपनाने का शौक रखते थे। और फिर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस चीज का हुक्म फरमा दिया करते तो उसमें इताअत का क्या आलम होगा। एक बार उम्मुल मोमिनीन हमारी माँ हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक साइल आया, आपने उसे रोटी का एक टुकड़ा अता कर दिया। फिर एक खुश लिबास शख्स आया तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे बिठाकर खाना खिलाया। लोगों ने इस फर्क की वजह पूछी, भाई फर्क क्या क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, अनजिलुन नासा मनाजिलहुम, हर शख्स से उसके दर्जे के मुताबिक बर्ताव करो। वो जिसका लायक है ना, उसी के मुताबिक उसका बर्ताव करें। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इसी तरह मालूम हुआ कि इस अमल से हमें एक ये बात मालूम हुई कि लोगों के मकाम और मर्तबे का लिहाज करना चाहिए, उसके मेहमान नवाजी, उसकी खातिर तवादो और ताज़ीम तौक़ीर करनी चाहिए, हर मेहमान के साथ उसकी हसीयत के मुताबिक सलूक करना चाहिए। मेहमान में कुछ तो वो होते हैं जो घंटे या दो घंटे के लिए आते हैं और चाय या पानी पीने के बाद चले जाते हैं, और बाज़ के लिए खाने पीने का ख़ास एहतमाम किया जाता है। बाज़ वो होते हैं जिन्हें हम शादी ब्याह अकीके वगैरह की किसी भी तकरीब में दावत देकर खुद बुलाते हैं, उसमें अमीर और गरीब का इम्तियाज़ किए बगैर खिलाने पिलाने और बिठाने में सब हम यकसा एहतमाम करते हैं। अब ऐसा ना हो कि अमीर और कबीर लोग तो शहाना अंदाज में खूब अनवाओ अकसाम के उम्दा खानों से लुत्फ उठाएं, मगर जो मुफलिस मुतवस्सित हमारी तरह के जो लोग हैं उनको आम खाने खिलाए जाएं, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। इससे मुसलमानों की दिल शिकनी होती है। और हदीस मुबारक में है कि बुरा खाना उस वलीमे का खाना है जिसमें मालदार लोग बुलाए जाते हैं और फुकरा को छोड़ दिया जाता है। वलीमे का नाम ये है ना, एक सदका ही होता है कि शबे जुफाफ के बाद पहली रात होती है, फिर उसके बाद जो दिन आता है उसमें वलीमा किया जाता है, एक सदका होता है। इन आम लोगों को दावत दी जाती है जिसमें गरीब मिस्कीन फ़कीर सब इकट्ठे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ये शायद तसव्वुर ही नहीं है कि बेचारे फ़कीर गरीब तो वो लाइन में लगे होते हैं बच्चा हुआ खाने के लिए, जो होते हैं जो हर रोज़ ही खाते हैं वो अंदर बैठे होते हैं। तो बाज़ मेहमान जो होते हैं ये बहन भाई होते हैं या करीबी रिश्तेदार होते हैं जो कुछ दिनों के लिए हमारे घरों में रहने के लिए आते हैं, उनकी भी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। और हदीस मुबारक में आता है कि जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है वह मेहमान का इकराम करे, बड़ी बरकत होती है। हकीकतन बात है, बड़ी बरकत होती है। एक दिन रात उसका जायज़ा है, यानी एक दिन उसकी पूरी खातिरदारी करे, हसब इस्तेआत उसके लिए पुर तकल्लुफ़ खाने तैयार करवाए, और ज़ियाफ़त तीन दिन है, यानी एक दिन के बाद जो घर में मौजूद हो वो पेश करे, और तीन दिन के बाद अगर वो रहे वो तो सदका है। तो मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाई, लोगों के मकाम और मर्तबे का भी ख्याल रखना चाहिए, और यह भी बात मलहूज़े खातिर रहनी चाहिए कि अगर कोई मेहमान नेक हो, परहेजगार हो, आलम दीन हो, आलम दीन के चेहरे की ज़्यारत करना भी इबादत है, हकीकतन बात है, अगर आप इस नीयत से एक आलम दीन के हाथ चूमेंगे, उसके चेहरे की ज़्यारत करेंगे, वो भी इबादत में है। ये एक अलहदा एक टॉपिक है। पीर मुर्शिद आ जाते हैं, उनकी शान और अजमत के मुताबिक उनकी मेहमान नवाजी की जाए। अगर मजहबी शख्सियत को किसी तकरीब में बुलाना हो तो सोच समझ कर दावत दी जाए कि ये दावत है उनके शान के लायक है या नहीं है। जो सही पीर मुर्शिद होते हैं, फासिक फाजिर ना हो, जो जिनको देखने से अल्लाह और उसका रसूल याद आ जाए। अल्लाह अकबर। इसी तरह मेरे मीठे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मसलन शादी वगैरह की तकरीब में, मैं एक अपना जो है वो बयान करता हूँ, मसलन शादी वगैरह की तकरीब में नाच गाना होता है और औरतों का बेपर्दा फिरना अगरचे सबके लिए हराम है। यहाँ पे जो अक्सर जो दावत की जाती है शादी हाल में, वलीमा जो होता है उसमें मखलूत होते हैं, औरतें
चाहे वो मर्द इकट्ठे बैठे होते हैं। बाज ऐसे दीनदार घराने होते हैं जो औरतों के लिए सेपरेट जो अहतमाम करते हैं और मर्दों के लिए अलग अहतमाम करते हैं, अगरचे ये सब के लिए हराम है, मगर एक आलम दीन, एक मजहबी शख्सियत को दावत देना उसके मर्तबे की तोहीन है। बाज़ का ऐसा भी होता है, बड़ी परेशानी होती है, निकाह के लिए ले जाते हैं लेकिन आगे जो हाल होता है ना वो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करे। फिर अगर मजबूरी के तहत वहाँ पे वो बैठना भी पड़ जाए ना तो फिर बातें भी सुननी पड़ती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि मेहमानों के मरातिब के मुताबिक उनकी तकरीम में कुताही ना करें और हर मुसलमान के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ, क्योंकि हुस्न सलूक की बरकत से जहाँ आपस की मोहब्बतों के चराग रोशन होते हैं वहीं सुन्नत पर अमल के साथ साथ दोनों जहाँ की भलाइयाँ भी नसीब होती हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि एक हदीस मुबारक पढ़ के इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल एक मुसलमान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर हर हुक्म की तामील करनी चाहिए और अपने हर अमल में आपकी इत्तबा को पेश नज़र रखना चाहिए।